जिस जवान ने वीरगति को प्राप्त किया शहीद हुए, उनके परिवार को भरोसा दिला, संबल दे ईश्वर, जो घायल हैं वो जल्द दुरुस्त हों, जल्द स्वस्थ हों। लेकिन चिंता इस बात की है कि पुलवामा की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। किस किस ने क्या नहीं कहा, सतपाल मलिक जी कहते रह गए, क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? कैसे सीना ठोक ठोक के कहते हैं अमित शाह जी सब कुछ नियंत्रण में, हमारे जवान की शहादत हो और तब कहे नियंत्रण में है, शहादत पे फूल माला चढ़ा देना, सिर्फ ही वही एक ये चीज नहीं है, आपको परिणति तक ले जाना, दोबारा ऐसी घटना ना हो। जवान एक परिवार को दिखी, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, बस फूल माला टांग करके निश्चिंत हो गए। मुझे दुख होता है ये कहने में कि सदन में कई बार हमने कहा कि पुलवामा जिसमें उतना डीएक्स आया कहां से आया, क्या आपका इंटेलिजेंस फेलियर तब नहीं था या अब नहीं है, चिंता होती है, दुख होता है। तेजस्वी यादव वो पीर ज्यादा है, प्रधानमंत्री जी बादशाह हैं, सुल्तान हिंद हैं, वेशभूषा से भी, आचरण से भी, व्यवहार से भी, घमंड से भी, गुरूर से भी, अहंकार से भी, इसलिए ही सब बोलते हैं ना। तेजस्वी जी तो हर सभा में नौकरी की बात करते हैं, अगर तेजस्वी जी पर अटैक करना है तो नौकरी पर अटैक करो ना कि हम तुमसे ज्यादा देंगे, आर्थिक सबलीकरण पे अटैक करो कि हम तुमसे बेहतर करेंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या यही अनशन बचता है, शहजादा शहजादा शहजादा, अरे वो बेरोजगार युवकों की आशा है, कहो कि हम तुमसे बड़ी आशा बन करके उभरेंगे, वो आप कह नहीं सकते क्योंकि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पर आए थे, उसी गारंटी पे आए थे मोदी जी, 20 करोड़ हो गए, आप 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते हो। तो जाहिर है आईना लेके चला कीजिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम एक छोटा वाला जेब में, जिससे अतीत भी दिखे और आगे की संभावना भी दिखे। आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही वोट दिखता है, वो है मुस्लिम वोट बैंक, ये प्रधानमंत्री जी की जुबान है, अपने देश के एक समुदाय के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कहां पहुंच गए हम प्रधानमंत्री जी, इस समुदाय ने क्या क्या नहीं दिया और आप उसके बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं। किस मुंह से विदेश जाएंगे और कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, ये बुद्ध की धरती का की जुबान नहीं है प्रधानमंत्री जी, बुद्ध की धरती की जुबान में नफरत नहीं होती है। आप हिंदुस्तान नाम के, भारतवर्ष नाम के महासागर को तालाब में तब्दील कर रहे हैं, इतिहास आपको गुनहगार मानेगा, चंद वोट के लिए डेस्परेशन में कि कुछ हो जाए, पोलराइज हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, नहीं, संविधान पे ये चुनाव होगा, नौकरी पे ये चुनाव होगा, और जहां अपराध आपकी आपराधिक चुप्पी है प्रधानमंत्री जी, चुप्पी। प्रज्वल रमन्ना को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे, मनोज जी उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार किए हैं उसके बाद वो फरार हो गए, देश छोड़ दिए, तो क्या देश में वापस लाएंगे? नहीं नहीं, ये श्रृंखला है भाई, मोदी जी की पार्टी एक्सपर्ट है अपराधी भगाओ, कितने नाम गिनाऊं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, और वो किंगफिशर एयरलाइन वाले विजय माल्या, उस श्रृंखला में एक नई कड़ी है कि जो करप्शन करे और जो सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन करे, एक उत्तर प्रदेश का आप जानते ही हैं पहलवानों के साथ जो उत्पीड़न हुआ, तो प्रधानमंत्री जी बेहद कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पे कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, उनको चिंता है वोट की, वोट ना घटे, उसके लिए अगर गोडसे को प्रथम देशभक्त बताए, हमारे गांधी का अपमान हो, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो पिछली सांसद थी भोपाल से। तो प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में मीलों का फासला है, और ये फासला 4 जून को दिख जाएगा। तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार का शतक लगा दिए, 101 चुनाव प्रचार अभी तक उन्होंने कर दिया, और लगातार वो कह रहे हैं कि दर्द कितना भी हो मैं झुकूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे गवाह हूं, उनकी कमर में दर्द है, बावजूद उसके टेम्पररी रिलीफ के लिए दवाई लेकर के वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, महागठबंधन के हर प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनकी डिमांड हो रही है, क्यों? लोग उन मुद्दों को सुनना चाहते हैं जो उनकी थाली को प्रभावित करते हैं, उनके घर को, रोजगार को, उनके सामाजिक सौहार्द को, इसलिए ये शतक लगा। और अभी आने वाले दिनों में देखिए तेजस्वी जी की बातें जो ट्रैक्शन पा रही है ना लोगों के बीच में, प्रधानमंत्री जी और बौखला जाएंगे, वो तमाम जो सिराएं जुबान और मस्तिष्क को कंट्रोल करती है ना वो फिर टूट जाएंगी, प्रधानमंत्री जी अब और कितना नीचे गिरेंगे इसका इंतजार करिए।
बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को पेरोल दे दी गई है, 13 मई को मुंगेर में वोटिंग भी करेंगे। खबर ये थी कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें पेरोल दी गई, लेकिन जमीन का मामले को लेकर पेरोल दी। देखिए, चुनाव के समय में मनोज जी मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। मैं पेरोल में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन ये तो तय हो गया है ना कि पेरोल एक पॉलिटिकल उपकरण बन के रह गया, और अगर किसी भी देश में किसी भी राज्य में अगर पेरोल एक राजनीतिक उपकरण बन के रह जाता है तो क्या ही कहें, मुखे कानून। मनोज जी, फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी आनंद सिंह की पत्नी ने एनडीए का साथ दिया था, नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, क्या लगता है कि मुंगेर में जिस तरीके का माहौल है भी, उसको लेकर भी ये पेरोल दी? देखिए, ये तो आप लोगों के आकलन की चीज है। फ्लोर टेस्ट में जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया वो बहुत रिग्रेट करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी रिग्रेट करेंगे, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक काल का अवसान तुरंत नहीं होता है, जनता भी सब देख रही होती है। और जिस किसी फायदे के लिए भी ये कोशिश हुई है, मैं समझता हूँ ये कोशिश कामयाब नहीं होगी।